दिल्ली के खान मार्केट से जब्त हुए भारी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। लुटियन बिजनेसमैन और लिबरलों के प्यारे नवनीत कालरा हैं इन सभी बिजनेसेस के मालिक। जिस वक्त पूरे देश में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और मेडिकल सप्लाईज का अकाल पड़ा है, ऐसे वक्त में लिबरलों का गढ़ खान मार्केट कालाबाजारी का गढ़ बन चुका है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली के एलीट्स और लिबरलों के लिए मशहूर खान मार्केट में बड़े स्तर की कालाबाजारी एक्सपोज की गई है। गुरुवार को एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जब्त करने के बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को खान मार्केट के रेस्तरां में 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को बरामद किया। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जिन जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मशीनें जब्त हुई हैं, वे एक ही उद्यमी और दिल्ली लुटियन में जाने पहचाने नाम नवनीत कालरा के स्वामित्व में हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने शहर भर में कई छापों में 450 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को जब्त किया था। तब भी प्रसिद्ध बिजनेसमैन नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले ठिकानों से 419 मशीनें बरामद की गई थी। गुरुवार को छापे के दौरान कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार में 9 और 5 लीटर क्षमता वाले 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जब्त किया गया था। पुलिस ने बार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने उसके बाद पुलिस को मंडी गांव के खुल्लर फार्म की जानकारी दी और वहां से भी 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जब्त किया गया है। इसी तरह शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने कालरा के स्वामित्व वाले अन्य व्यवसायों पर छापा मारा और अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए। उन्होंने लोधी कॉलोनी में टाउन हॉल रेस्तरां और बार से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जब्त किया और फिर खान मार्केट में लोकप्रिय खान चाचा रेस्टोरेंट में 96 यूनिट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पाए गए। देखा जाए तो कालरा के स्वामित्व वाले रेस्टोरेंट्स और बार से अब तक कुल 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जब्त किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने पुलिस को गोदाम के बारे में बताया और कहा कि सभी उपकरणों को आयात किया गया है और COVID-19 रोगियों के परिवारों को ऑनलाइन एक्सपेक्ट एवरीथिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 70,000 रुपये में बेचा गया। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी में लुटियन का एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग में शामिल था और वह उस समय फायदा उठा रहा है जब दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। अब यह देखना बाकी है कि पुलिस नवनीत कालरा को कब गिरफ्तार कर पाती है। बता दें कि नवनीत कालरा दिल्ली में कई रेस्टोरेंट्स का मालिक है और साथ ही वो रिटेल चेन दयाल ऑप्टिकल्स भी चलाते हैं, जिसकी स्थापना उनके पिता दयाल दास कालरा ने की थी। दिल्ली में उनके रेस्टोरेंट सबसे प्रसिद्ध हैं और मशहूर हस्तियों और राजनेताओं को अक्सर इनके रेस्टोरेंट्स में आते जाते देखा जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट खान मार्केट में कबाब और रोल की दुकान खान चाचा है। वहीं टाउन हॉल भी कम लोकप्रिय नहीं है, जिसे रणदीप बजाज और नवनीत बजाज के साथ साझेदारी में कालरा द्वारा चलाया जाता है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में 2020 में दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनीत कालरा को सम्मानित किया गया। सत्ता में वापस आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें 48 हस्तियों के साथ दिल्ली के निर्माता के रूप में सम्मानित किया था। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल देखने को मिली। कई लोगों ने कालरा की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ फोटो को भी पोस्ट किया, जिसमें वह गांधी परिवार को भारत का पहला परिवार कहकर संबोधित कर रहा है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का स्कैम सामने आने के बाद नवनीत कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। ऐसे समय में जब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब एक लुटियन बिजनेसमैन द्वारा इस तरह से कालाबाजारी करना और मेडिकल सप्लाई को कई गुना दाम पर बेचना दिखाता है कि ये मानवता के कितने बड़े दुश्मन हैं। अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल कर अगर यह कालरा कानून के चंगुल से बच निकलता है तो यह देश के कानून व्यवस्था पर एक धब्बा होगा। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को कालरा पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर पूरे देश के सामने उदाहरण पेश करना होगा।